नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली की जो राजनीति है उसमें एक नया मोड़ आ चुका है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान किया था जब वो जेल से बाहर आए थे। जब उनको जमानत मिली थी तब उन्होंने बोला था कि हम अगले 48 घंटे के अंदर इस्तीफा दे देंगे। दोस्तों, वैसे ही आम आदमी पार्टियों की लगातार मीटिंग चल रही थी, सभी बड़े नेताओं की, सभी लोगों के साथ मीटिंग चल रही थी। और अब अरविंद केजरीवाल ने अपनी कुर्सी पर आतिशी जी को बैठाने का निर्णय किया है। अब ये समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी का जो फैसला है, अब ये पूरी पार्टी का ही फैसला हो गया। अब दिल्ली की जो कमान होगी ये आतिशी जी को मिल जाएगी। वैसे आतिशी जी के बारे में बता दें कि वो अभी भी दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, और आतिशी जी बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और बोलने में बहुत ही अच्छी हैं। यहाँ तक कि ये समझ लीजिए, ये इतनी अच्छी तर्क को रखती हैं अपने कि सुधांशु त्रिवेदी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कई बार डिबेट में ये उनको भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मतलब आप इनकी चपलता को, इनकी क्लेवरनेस को आप इतना समझिए कि ये अपने जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो तर्क होते हैं, बहुत ही सॉलिड वे में रखती हैं। ये इनकी खूबी है। और वैसे भी अभी तक इनका कोई ऐसा कंट्रोवर्सी वगैरह सुनने को आई भी नहीं है, और ये अपने जो विभाग है, जो इनका डिपार्टमेंट है, वो अभी तक ये चला रही हैं, अभी उसमें कुछ भी गड़बड़ी देखने को भी नहीं मिली है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की जो नई कमान है वो आतिशी मार्लेना के हाथ में जाने वाली है। और आप ये समझ लीजिए कि आतिशी के पास जो पावर होगी, ये कहीं ना कहीं बैक एंड पे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में ही पावर रहेगी। वो पीछे से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आतिशी जी अरविंद केजरीवाल की बहुत ही ज़्यादा करीबी नेताओं में से हैं, जो अरविंद केजरीवाल के वफादार बोली जा सकती हैं। आतिशी जी के लिए ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपना पूरा भरोसा दिखाया और उनको दिल्ली की गद्दी सौंपने का निर्णय किया। दोस्तों, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जी ने अब ये बोला है कि अब वो दोबारा कुर्सी में तभी आएंगे जब जनता उनको क्लीन चीट दे देगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट उनको क्लीन चीट देगा इसकी बात नहीं बोली, उन्होंने ये बोला जनता हमें जब क्लीन चीट देगी। और जनता का क्लीन चीट क्या होता है? जनता का क्लीन चीट तो ये तब होता है कि जब जनता आपको दोबारा से चुन ले और आपको सत्ता सौंप दे। तो ये चीज़ें तो दोस्तों होती रहती हैं। अरविंद केजरीवाल बहुत ही मंझे हुए राजनेता हैं, वो कच्ची गोली नहीं खेलते हैं, वो बहुत ही दूर तक की सोचते हैं। अब ये सोच लीजिए कि जैसे लालू यादव हैं, लालू प्रसाद यादव जी को जेल हुई, सजा हुई, कोर्ट ने सजा दी और उनको जेल जाना पड़ा। उसके बावजूद उनकी पार्टी को तो अच्छी खासी सीटें मिली, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। तो इसका मतलब क्या, लालू यादव ने जो पाप किए वो सारे धुल गए? ऐसा तो नहीं होता। तो अरविंद केजरीवाल जी वही कह रहे हैं कि अब जनता अगर दोबारा हमारी पार्टी को दे देगी सारी सीटें, अच्छी खासी सीटें, कि हम सत्ता में आ जाएं, तो फिर इसका मतलब जनता ने हमको क्लीन चिट दे दिया, अब हम बेदाग हो जाएंगे। ये उनका कहने का मतलब है। कोर्ट से उनका कोई लेना देना नहीं, कोर्ट उनको क्लीन चिट देगा नहीं देगा वो इसकी बात ही नहीं कर रहे। यही क्लेवरनेस है। अरविंद केजरीवाल को इसीलिए आज के नेता पकड़ नहीं पाते हैं, वो दूसरों से कुछ आगे ही चलते हैं। ये समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी अपना ये इस्तीफा जेल के अंदर रह के भी दे सकते थे, क्योंकि जब इनके ऊपर आरोप लगा था तो आरोप के समय ही, वैसे जब आपको आरोप लगा आप जेल जा रहे हैं तो उस वक्त आपको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इन्होंने तब इस्तीफा नहीं देना उचित समझा और इन्होंने दिया भी नहीं। इस्तीफा कब दिया? जब जेल से बाहर आ गए तब ऐलान किया कि हम अब इस्तीफा दे देंगे। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी अब इसका फ़ायदा जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव हैं वहाँ इसको लेना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि दिल्ली के जो विधानसभा के चुनाव हैं ये जल्दी से जल्दी हो जाए। वैसे तो फरवरी 2025 में दिल्ली के विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि ये बहुत ही जल्दी हो जाए, ताकि ये जो भी नैरेटिव अभी सेट किया जा रहा है, जो भी अरविंद केजरीवाल जी उंगली कटाकर शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं,
वो ये चाहते हैं कि इसका फ़ायदा भी पार्टी को मिले। तो फ़ायदा तो तभी मिलेगा जब चुनाव जल्दी होंगे, अगर जितना डिले होता चला जाएगा तो अरविंद केजरीवाल को उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना अभी हो सकता है। वो रीज़न इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जमानत तो मिल चुकी है, तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ चुके हैं। सिर्फ ये है कि अब उनके हाथ में सत्ता नहीं है, सत्ता दूसरे के थ्रू इनके हाथ में रहेगी। तो इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल खुद अब सीएम भी नहीं रहेंगे और जेल से बाहर भी आ जाएंगे तो लोग लगभग भुला देंगे, इतना ज़्यादा इनको फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा अनुमान अरविंद केजरीवाल जी लगा रहे हैं कि अभी अगर चुनाव होगा तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यही बात उनके दूसरे नेता भी कह रहे हैं कि अभी अगर चुनाव हो जाते हैं तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, मजबूती के साथ जीत कर आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी भी यही बात बोल रहे हैं, दूसरे नेता भी यही बोल रहे हैं। आपको बता दें कि उनके एक नेता हैं गोपाल राय, जो काफ़ी बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, इन्होंने बताया कि आखिर ये जेल से क्यों नहीं इन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अब उनका ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल जी अगर जेल से इस्तीफ़ा देते तो इनकी पार्टी टूट सकती थी, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को तोड़ने पर काम कर रही थी, लेकिन इन्होंने अंदर से इस्तीफ़ा नहीं दिया। अब ये बाहर आ गए और सभी लोगों के साथ मिले तब इन्होंने इस्तीफे के लिए सोचा। तो ये बात गोपाल राय जी के, ये खैर उनका अपना मानना है, अब उससे कितने लोग एग्री होते हैं कितने लोग डिसएग्री होते हैं ये तो अलग बात है। तो दोस्तों ये राजनीति अरविंद केजरीवाल जी की है, बहुत ही मंझे हुए राजनेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, कम से कम 10 साल से तो ये मुख्यमंत्री के रूप में ही काम कर रहे हैं। और ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है, मतलब कोई भी मंत्रालय इन्होंने लिया ही नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री बने हैं। ये उससे पहले जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का कैंपेन था अन्ना हजारे जी के साथ, वो भी ये लीड कर रहे थे, उसको चला रहे थे, उसके साथ ही उससे पहले ये IRS ऑफिसर थे। तो अरविंद केजरीवाल को काफ़ी अच्छे से मालूम है कि कौन सी चीज़ कब बोलनी है, कब कैसे करनी है। बहुत माइंडेड व्यक्ति हैं, बहुत ही होशियार व्यक्ति हैं और उसी के हिसाब से अपनी ये राजनीति कर रहे हैं। और ये मान लीजिए कि ये अपनी राजनीति जब कुछ करते हैं तो सामने विरोधी को स्पष्ट भी कर देते हैं, क्योंकि दिल्ली के जो चुनाव हुए हैं ये देखने में रिजल्ट तो यही बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के सामने किसी की चलती नहीं है, चाहे वो कोई भी हो विधानसभा में। लोकसभा में ज़रूर अरविंद केजरीवाल जी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा से इतना भी मतलब भी नहीं है, उनको विधानसभा से ही मतलब है। और वो विधानसभा में दिखा भी चुके हैं कि उनकी पार्टी बहुत मजबूत है, बहुत दमदार है, दूसरा कोई सामने ऐसे आ नहीं सकता है। ये चीज़ अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी साबित कर चुकी है, क्योंकि जब 70 में से 67 सीटें जीत जाओ तो इसका मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से विपक्ष आपके सामने है ही नहीं, आपने पूरी की पूरी जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। फिर उसके बाद जब दूसरी बार चुनाव हुए तब भी बहुत अच्छी सीटें भारतीय आम आदमी पार्टी को मिली और भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकी वहाँ पे। ये समझ लीजिए कि एक समय तो ऐसा था कि अपोजिशन का लीडर बनने के लिए भी नंबर नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के पास, ये हालत हो गई थी। तो जनता ने भरपूर प्यार दिया है आम आदमी पार्टी को, और अब देखने वाली बात होगी कि जो अगर चुनाव होते हैं तो उसमें आम आदमी पार्टी का क्या होता है, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो भी कोई छोटे आरोप नहीं है, बहुत ही गंभीर आरोप हैं, शराब घोटाला है ये पूरा, तो वो आरोप हैं। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल तो ये जेल में गए 177 दिन के बाद जेल से निकले हैं, इनके जो भी टॉप लीडर हैं सब लगभग जेल जा चुके हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, या सत्येंद्र जैन हो, या तो वो जेल में अभी हैं या तो जमानत पर बाहर आए हुए हैं, इस तरह की कंडीशन है अभी आम आदमी पार्टी के साथ। दोस्तों अब इस पे क्या सामने रिजल्ट आता है, क्या अपडेट आएगी, मैं जैसा भी होगा आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।